खबर चमोली के बद्रीनाथ से है, जहां बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाकर सामान चोरी करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का गिरोह है। गिरफ्तार लोगों से पुलिस ने सामग्री भी बरामद की है। थाना अध्यक्ष नवनीत भंडारी ने बताया कि ये सभी गोंडा के यूपी के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1,55,000 की नकदी और 7 कीमती मोबाइल बरामद किए गए हैं। पीड़ित व्यक्ति का सामान वापस मिलने से उन्होंने चमोली पुलिस का आभार जताया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मैं बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आया था यहाँ। इस बीच मेरे स्नान करते समय कपड़ा वहाँ रखा था, तो कपड़ा चोरी हो गया था मेरा। तो चोरी होने के बाद मैं तो पागल टाइप का हो गया था। मेरे पास पानी पीने के लिए पैसा नहीं बचा था, तो मैं मेरे साथी लोग से सब जाने से किसी से 500, किसी से 200, किसी से 100 रुपये लेकर उधार लेकर अपना रोजी रोटी यहाँ चला रहा था। जीवन अपन पेट भर रहा था। मेरे पास घर जाने के लिए 1 रुपया कुटी कौड़ी नहीं बचा था। वो लोग कितना सहायता करते मेरा। तो पुलिस यहाँ का पुलिस का मैं चरण छू के प्रणाम करता हूँ। मेरा इतना अच्छा सहायता किया, मैं क्या बोलूं उनके लिए। भगवान बद्रीनाथ के इनको हमेशा ऐसी उज्ज्वल करते रहे। सब जन को जितना पुलिस का है यहाँ का मैं प्रणाम करता हूँ। सब जन यहाँ अच्छा काम हो सकता।